इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंस्टाग्राम का मैसेंजर 100% अपडेट हो जाएगा, बट कैसे ये भी तो जानना है, तो फिर बने रहो वीडियो में एंड तक। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू मुनीफ टेक। बहुत सारे लोगों को अभी भी इंस्टाग्राम के अंदर ये वाला मैसेंजर आता है, यानी कि ओल्ड मैसेंजर आता है, बट वो स्विच नहीं कर पाते इस वाले मैसेंजर आइकन में। तो गाइज, अगर आपको भी जानना है लेटेस्ट ट्रिक, तो भाई लोग आप लोग सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जो आज तक शायद यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो गाइज, ये जो ट्रिक है ये 100% वर्किंग है, इसकी मदद से आप लोग अपने इंस्टाग्राम मैसेंजर को अपडेट कर पाएंगे, वो भी सिर्फ वन क्लिक के अंदर। तो गाइज, अगर आपको भी जानना है तो बने रहो वीडियो में एंड तक। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा मस्त मस्त कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। सो हे गाइस, दिस इज मुनीफ एंड यू वाचिंग टेक मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, जिन लोगों के पास ये वाला ओल्ड मैसेंजर आइकन है, इसका मतलब है वो अपने मैसेज के ऊपर स्वैप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, दूसरा वो मैसेज के ऊपर चैट थीम को चेंज नहीं कर पाएंगे। बट अब आपको स्विच करना है इस वाले मैसेंजर आइकन में, अगर आपको भी जाना है तो फिर चलो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अगर आपको भी इंस्टाग्राम के अंदर को मैसेंजर को अपडेट करना है तो भाई लोग आप लोग सही वीडियो पर आए, और आप लोग को ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखना, तो ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। तो गाइज, सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक का जो अकाउंट है, यानी कि फ्रेश अकाउंट है, जो आपको लिंक करना पड़ेगा किसके साथ, इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। तो गाइज, आप लोग को एक फ्रेश अकाउंट होना चाहिए फेसबुक के अंदर। फिर आप लोग को प्ले स्टोर की जो ऐप है वो आपको यहाँ ओपन करनी है। तो गाइस, प्ले स्टोर की ऐप ओपन होने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ टाइप करना है मैसेंजर, सिंपली आपको मैसेंजर भी डाउनलोड करके रखना है। उसके बाद फिर आप लोगों को वहाँ फेसबुक का अकाउंट, वही फेसबुक का अकाउंट लॉगिन करना है जो आप लोगों को लिंक करना पड़ेगा इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, राइट। तो गाइस, जैसे आप ये सब काम करोगे फिर आप लोगों को सिंपली इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आपको ओपन करनी है। तो गाइस, इंस्टाग्राम की ऐप ओपन होने के बाद फिर आप लोग को सिंपली प्रोफाइल के अंदर जाना है। जैसे आप प्रोफाइल के अंदर जाओगे फिर आप लोग को ऊपर दिखेगा थ्री डॉट्स, आपको इसी पर टैप करना है। फिर आप लोग को यहाँ दिखेगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा अकाउंट, आपको अकाउंट पर टैप करना है, और फिर आप लोग को नीचे दिखेगा एक ऑप्शन स्विच टाइप अकाउंट, आपको इसी पर टैप करना है, और आप लोग को यहाँ पर्सनल अकाउंट सिलेक्ट करना है, और आप लोग को यहाँ स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपका जो अकाउंट है, यानी कि जो आपका फेसबुक अकाउंट है, वो पर्सनल बन जाएगा। सिंपली आपको इसको रिसेंट ऐप से हटाना है इस तरह। तो गाइस, उसके बाद फिर आप लोग को वापस इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आपको ओपन करनी है। तो गाइस, इंस्टाग्राम की ऐप ओपन होने के बाद फिर आपको वापस जाना है प्रोफाइल के अंदर। फिर आप लोगों को ऊपर दिखेगा थ्री डॉट्स, आपको इसी पर टैप करना है, देन सेटिंग्स। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ दिखाया अकाउंट, आपको अकाउंट पे टैप करना है, और आप लोग को यहाँ दिखाया ब्राउजर सेटिंग्स, आपको इसी पर टैप करना है। जैसा ब्राउजर सेटिंग पर टैप करोगे फिर आप लोग को यहाँ दिखेगा ऊपर क्लियर, आपको क्लियर पे टैप करना है, और आप लोग को यहाँ दिखेगा क्लियर ब्राउजर डेटा, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आप लोग को सिंपली बैक आना है। तो गाइस, बैक आने के बाद फिर आप लोग को सिंपली नीचे आना है, और आप लोग को यहाँ दिखेगा स्विच टाइप प्रोफेशनल अकाउंट, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपको यहाँ दिखेगा कंटिन्यू, देन कंटिन्यू, देन कंटिन्यू, देन कंटिन्यू, राइट। तो गाइस, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। फिर आप लोग को ऊपर दिखेगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, ये भी आपको एनेबल रखना है, और डन पे आपको टैप करना है। जैसे आप डन पे टैप करोगे फिर आप लोग को कुछ सेकंड्स वेट करना है, तकरीबन 30 सेकंड्स आपको वेट करना है। तो गाइस, 30 सेकंड्स वेट करने के बाद फिर आप लोग के सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो गाइस, सिंपली आपको यहाँ क्रेटर या बिजनेस सेलेक्ट कर अपने हिसाब से, और आप लोग को नीचे दिखेगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पर टैप करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर टैप करोगे फिर आप लोग को यहाँ दिखेगा कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू पर टैप करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर टैप करोगे फिर आप लोग को यहाँ अपना फेसबुक का जो अकाउंट है वही आपको यहाँ लॉगिन करना है। तो गाइस, फेसबुक का अकाउंट लॉगिन होने के बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा ओके, आपको ओके पे टैप करना है। तो गाइस, जैसे आप ओके पे टैप करोगे ये कुछ लोडिंग लेगा, आपको सिर्फ वेट करना है। तो गाइस, वेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ दिखेगा ऊपर क्रॉस आइकन, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आप लोग को यहाँ दिखेगा कंटिन्यू, आपको फिर से कंटिन्यू पर टैप करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर टैप करोगे फिर आपको यहाँ दिखेगा कंटिन्यू एज, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे ये लिंक हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। तो गाइस, उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ कुछ स्टेप्स कंप्लीट करना है। अगर आप लोग को ये स्टेप्स कंप्लीट करना नहीं आता है, सिंपली आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अगला वीडियो में इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूं। तो गाइस, आप लोग ऊपर क्रॉस आइकन पर टैप भी कर सकते हैं। तो गाइस, टैप करने के बाद फिर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट वो लिंक हो जाएगा आपके अकाउंट के साथ। तो गाइस, उसके बाद फिर आप लोग को रिसेंट ऐप से इसको हटाना है। तो गाइस, रिसेंट ऐप से हटाने के बाद फिर आपको सिंपली इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आपको ओपन करनी है। तो गाइस, ओपन होने के बाद गाइस आप लोग ऊपर देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के अंदर मैसेंजर अपडेट हो चुका है, राइट।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ने भी अपने इंस्टाग्राम मैसेज के ऊपर ये वाला ट्रिक अप्लाई किया है, उसके बाद आप लोग खुद रिजल्ट देखना। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।